हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम 11 में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में ये थर्ड ओडीआई और लास्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा इस सीरीज का। ये मैच खेला जाएगा जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चित्तगांव के ग्राउंड में। इस ग्राउंड की जो पिच रहती है वो बैट्समैन को ज़्यादा हेल्प करती है। इस ग्राउंड का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 201 का और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है 178 का। तो आपको इस मैच में भी 240 या 250 प्लस स्कोर देखने को मिल सकता है। हम आगे बात करने वाले लास्ट मैच के रिजल्ट के बारे में। बांग्लादेश की टीम ने अपना फर्स्ट ओडीआई मैच 28 रन से और सेकंड में 7 विकेट से विन कर लिया था। तो ये तीन ओडीआई मैच की सीरीज खेली जानी थी, जिनमें से अब तक बांग्लादेश ने दोनों ही ओडीआई मैच को विन कर लिए और जो सीरीज थी वो भी अपने नाम कर लिए। तो बांग्लादेश अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस कर सकता है, क्योंकि जो खिलाड़ी बेंच बैठे हैं उनको बांग्लादेश अपने प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। और रही जिम्बाब्वे की बात, तो जिम्बाब्वे अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ में ये मैच खेलेगी और लास्ट ओडीआई मैच विन करना चाहेगी। हम आगे बात करेंगे कि बांग्लादेश की इस मैच में प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और साथ ही में बात करने वाले लास्ट के दोनों मैचेस के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। लिटन दास ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी सेकंड मैच में, लेकिन फर्स्ट मैच में 4 रन बना के आउट हो गए थे, सेकंड मैच में बने थे 83 रन। इमरुल कैस बहुत अच्छे फॉर्म में, 144 रन फर्स्ट मैच में और सेकंड मैच में उन्होंने बनाए थे 90 रन। फजल महमूद को मौका दिया गया था लेकिन ये मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए, दोनों ही मैच में 0 पे आउट हो गए थे। सेकंड मैच में इनसे बॉलिंग कराई गई थी लेकिन इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। मुस्तफिकुर रहीम जो टीम के विकेट कीपर है, फर्स्ट मैच में 15 रन और सेकंड मैच में 40 रन, ठीक ठाक उन्होंने परफॉर्म किया है। मोहम्मद मिथुन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फर्स्ट मैच में 37 रन और सेकंड मैच में 44 रन। महमूदुल्ला को सेकंड मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था और दोनों ही मैचों में महमूदुल्ला को एक एक विकेट मिला है। महेंद्र यासीन मिराज की हम बात करें तो फर्स्ट मैच में 3 विकेट और सेकंड मैच में 1 विकेट। मोहम्मद सैफुद्दीन ने फर्स्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 50 रन बनाए थे, हालांकि सेकंड मैच में इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था लेकिन सेकंड मैच में बॉलिंग बहुत ही शानदार की थी, 3 विकेट लिए थे। मशरफ मुर्तजा जो टीम के कैप्टन है, फर्स्ट मैच में इनको कोई भी विकेट नहीं मिला लेकिन सेकंड मैच में इनको एक विकेट मिला था। मुस्तफिजुर रहमान जो फर्स्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, एक विकेट भी लिया था, सेकंड मैच में भी इनको खिलाया गया था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, उस मैच में भी इन्होंने एक विकेट लिया था। नाजमुल इस्लाम फर्स्ट मैच में 2 विकेट लेकिन सेकंड मैच में इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। तो ये प्लेइंग 11 रहती बांग्लादेश की लास्ट मैच में और सारे प्लेयर्स ठीक ठाक परफॉर्म करें, लेकिन बांग्लादेश ये सीरीज जीत चुका है पहले ही, तो अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज कर सकता है और जो खिलाड़ी बेंच बैठे उन्हें मौका दे सकती है। आगे बात करने वाले हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं जो बेंच बैठे हैं। रुबेल हुसैन, अबू हैदर रोनी, आरिफुल्लक और नाजमुल हुसैन सेंटो, ये कुछ खिलाड़ी बेंच बैठे। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की टीम में चेंजेस के बारे में। यहाँ पर जो फर्स्ट चेंज हो सकता है, रुबेल हुसैन को मौका दिया जा सकता है। रुबेल हुसैन और अबू हैदर रोनी, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान की जगह, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान फर्स्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे लेकिन सेकंड मैच में उनको खिलाया गया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। तो हो सकता है इस मैच में मुस्तफिजुर रहमान को रेस्ट दिया जा सकता है, रुबेल हुसैन या अबू हैदर इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड चेंज की बात करूँ तो फजल महमूद भी आपके लिए इस मैच के लिए बहुत रिस्क रहेंगे। मुझे लगता है 90% फजल महमूद इस मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि आप परफॉर्म देख सकते हो, लास्ट के दोनों मैचों में 0-0 और इनको एक भी विकेट भी नहीं मिला। तो हो सकता है फजल महमूद की जगह आरिफुल्लक, नाजमुल हुसैन सेंटो इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। तो ये तो रही चेंजेस की बात। अब हम बात करते हैं कि इस बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर जो है आपके रिस्की भी हो सकते हैं, क्योंकि सीरीज बांग्लादेश पहले ही जीत चुका है तो ये इतना इंपॉर्टेंट बांग्लादेश के लिए मैच नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्की प्लेयर का मैं कहूँगा मुशफिकुर रहीम जो टीम के विकेट कीपर है, और बांग्लादेश के पास ऑलरेडी 2 विकेट कीपर है जिसमें लिटन दास भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं और मोहम्मद मिथुन भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है इस मैच में रहीम को रेस्ट दिया जा सकता है। सेकंड में रिस्की प्लेयर की बात करूं तो यहाँ पे महमूदुल्ला को भी इस मैच में रेस्ट दिया जा सकता है। तो ये 4 प्लेयर्स आपके लिए रिस्की रहने वाले, बाकी सारे प्लेयर्स मुझे लगता है सेफ रहेंगे, लेकिन वापस से बोल रहा हूँ ये मैच आपके लिए रिस्की रहने वाला है। तो आप कम इन्वेस्ट के साथ ये मैच खेलना ताकि आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो, क्योंकि आपका प्लेयर इसमें मिस हो सकता है। हम आगे बात करेंगे कि जिम्बाब्वे की इस मैच में प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, साथ ही में बात करने वाले लास्ट के दोनों मैचेस के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। हैमिल्टन मास्काज़ा जो टीम के कैप्टन है, फर्स्ट मैच में 21, सेकंड मैच में 14 रन। केपस शो फर्स्ट मैच में 35 रन, सेकंड मैच में 20 रन, सेकंड मैच में बॉलिंग की थी लेकिन इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। ब्रेंडन टेलर फर्स्ट मैच में 5 रन और सेकंड मैच में इन्होंने बनाए थे 75 रन, बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी। सिकंदर रजा बहुत अच्छे फॉर्म में, फर्स्ट मैच में 7 रन, सेकंड मैच में 49 रन और सेकंड मैच में इनको 3 विकेट भी मिले थे। सीन विलियम्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट मैच में 50 रन, सेकंड मैच में 47 रन, हालांकि इनको बॉलिंग से कोई भी विकेट अब तक नहीं मिला है। पेटर मुर फर्स्ट मैच में 26 और सेकंड मैच में 17 रन। इल्टोन चिगमबुरा
फर्स्ट मैच में इनको मौका नहीं मिला खेलने का, सेकेंड मैच में 3 रन बना के आउट हो गए थे। डोनाल्ड ट्रिपानो दोनों मैचों में इनको एक भी विकेट अब तक नहीं मिला। ब्रेंडन मोटा सिर्फ एक ही विकेट ले पाए दोनों मैचों में। कायल जारविस को फर्स्ट मैच में 4 विकेट, सेकेंड मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला। और तेंदे चेतारा फर्स्ट मैच में 3 विकेट और सेकेंड मैच में 0 विकेट। तो ये प्लेइंग 11 रही थी जिम्बाब्वे की लास्ट मैच में, और लास्ट में वापस जिम्बाब्वे अपना हार चुका है तो अपने प्लेइंग 11 में 1-2 चेंजेस कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लिस्ट के प्लेयर की बात करूँ तो आपके लिए डोनाल्ड ट्रिपानो और ब्रेंडन मोटा ये दोनों प्लेयर आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को बिठा के वेलिंगटन मास्क आजाद को टीम में मौका दे सकती है। तो ये दो प्लेयर आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं। अगर थर्ड प्लेयर की मैं बात करूँ तो इल्टन चिगंबुरा भी आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं। बाकी सारे प्लेयर्स मुझे लगता है आपके लिए एकदम सेफ रहने वाले हैं। अगर और कोई भी न्यूज आती है प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर्स के इंजरी के बारे में, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा, या आप मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। हम आगे बात करने वाले हैं कि आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। हैमिल्टन मास्काजा, जुआवो, ब्रेंडन टेलर, सिकंदर रजा, लिटन दास, इमरुल कैस, मुशफ़िकुर रहीम जो आपके लिए इस मैच के लिए थोड़ा डाउटफुल हो सकते हैं, और महमूदुल्ला भी आपके लिए इस मैच के लिए डाउटफुल हो सकते हैं। तो ये 8 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप ग्रैंड लीग में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। मेहंदी हसन मिराज, मोहम्मद सैफुद्दीन, मशरफ मुर्तजा, इल्टन चिगंबुरा जो आपके लिए इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं, सीन विलियम्स, काइल जारविस और पीटर मूर, ये 7 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहने वाले ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। बाकी अगर आप अपनी टीम के हिसाब से जाना चाहते हो तो आप इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को वाइस कैप्टन और इनमें से किसी को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और खुद से एक बेटर टीम बना के आप अच्छा विन कर सकते हो। और इस वीडियो में अगर आप तक आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो कि एकदम फ्री है। हम आगे बात करने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो अब तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। आपको अब हर वीडियो में हाला प्ले की भी टीम मिलती रहेगी, और आपको टेलीग्राम पर भी हाला ग्रुप की हाला प्ले की टीम मिलती रहेगी। तो जल्दी से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको ड्रीम 11 और हाला प्ले दोनों की टीम यहाँ पे आपको हर मैच की मिलती रहेगी। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप फ्री में ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हम आगे बात करने वाले ड्रीम 11 की टीम के बारे में जो मैंने आपके लिए बनाई है, एक छोटी लीग की टीम और एक मैंने बनाई है आपके लिए जो 111 मेंबर की ग्रैंड लीग होती है उसके लिए टीम। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने आपके लिए हेड टू हेड और स्मॉल लीग की टीम बनाई है। तो विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। 100% चांस है कि यहाँ पे ब्रेंडन टेलर खेलेंगे, लेकिन मुशफ़िकुर रहीम को इसमें रेस्ट दिया जा सकता है। बहुत ही कम चांस है 80% मुशफ़िकुर रहीम खेलेंगे, लेकिन मैं अपनी टीम में सेफ जाना पसंद करूंगा और मैंने अपनी टीम में ब्रेंडन टेलर को लिया है, ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। बात करते हैं हम आगे बैट्समैन सेक्शन की। तो यहाँ पे मैंने इमरुल कैस, लिटन दास और मोहम्मद बितू तीनों ही बल्लेबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में, इसलिए मैंने अपनी टीम में तीनों ही बल्लेबाज को पिक किया है। एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि बांग्लादेश के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, तो हो सकता है इन तीनों में से भी किसी को भी बांग्लादेश अपने प्लेइंग 11 में रेस्ट दे सकती है। तो ये भी आपके लिए जो है सेफ प्लेयर में नहीं कहूँगा कि 100% ये खेलेंगे, ये आपके लिए सिर्फ 85% इस मैच के लिए सेफ रहने वाले हैं। यहाँ पे मैंने फोर्थ बैट्समैन को पिक किया, यहाँ पे जुआवो को, जुआवो को मैंने अपनी टीम में इसलिए ओपनिंग बैटिंग करते हैं और साथ में हर मैच में 2 से 3 और भी करते हैं, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छा खासे पॉइंट दिला सकते हैं। ऑप्शंस की बात करूँ, मास्काजा खेलेंगे, आप अपनी टीम में ले सकते हो, और इल्टन चिगंबुरा इन दोनों में से कोई एक खेलने वाला है तो दोनों ही आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं। सोलोमन माइर मुझे लगता है नहीं खेलेंगे, बाकी अगर आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते हैं कांडा को भी मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। पीटर मूर खेलेंगे, यहाँ पे नाजमुल हुसैन सेंटो को मौका मिल सकता है, फजल महमूद की जगह, तो ये दोनों भी आपके लिए इस मैच के लिए रिस्की रहने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में मिलिए सीन विलियम्स, सिकंदर रजा और मेहंदी हसन मिराज, महमूदुल्ला एक ऑप्शन है, लेकिन 80% ये खेलेंगे, 20% आपके लिए महमूदुल्ला इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं। यहाँ पे अरिफुल हक भी खेल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ब्रेंडन मोटा भी आपके लिए थोड़ा इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं। आगे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अपनी टीम में मशरफ मुर्तजा, जारविस और मैंने अपनी टीम में यहाँ पे लिया है मोहम्मद सैफुद्दीन को। ऑप्शंस की बात करूँ अगर आपके लिए, तो यहाँ पे रहमान का ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया रहमान को रेस्ट दिया जा सकता है, रहमान की जगह रुबेल हुसैन को टीम में मौका मिल सकता है। तेंदे चेतारा खेलेंगे, इन्हें आप अपनी टीम में एकदम सेफली ले सकते हो। यहाँ से डोनाल्ड ट्रिपानो की जगह वेलिंगटन मास्काजा को टीम में मौका दिया जा सकता है, तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए रिस्की रहने वाले। इस्लाम को आप अपनी टीम में ले सकते हो, अबू हैदर रोनी को मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है, बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए रिस्की रहेंगे। तो करते हैं
सोचो इसके बारे में। तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन रखा सिकंदर रजा को, लास्ट मिनट में बॉलिंग और बैटिंग दोनों अच्छी की थी, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कैप्टन। वाइस कैप्टन ब्रेंडन टेले को, लास्ट मैच में उन्होंने 76 रन बनाए थे। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हो तो उमरुल खेल आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस है, रिटन दास आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस है, मोहम्मद लुतुफ को वाइस कैप्टन बना सकते हो, और जुआओ भी आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, सीन विलियम्स को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो, महेंद्र सिंह विराज भी आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। तो टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल रिव्यू के बारे में। तो ये मेरी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग का फाइनल रिव्यू रहेगा। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग के बारे में, सेक्शन में मैंने कोई भी चेंज नहीं यहाँ पे मैंने महमूदुल्ला को लिया है जो आपके लिए थोड़ा इसमें के लिए रिस्की हो सकते हैं। सिकंदर अजा को सीनियर टीम से अपने टीम में लिया। बॉलिंग सेक्शन में रुबेल हुसैन, कायल जारविस, तेंदे चतारा और मोहम्मद सैफुद्दीन। तो इस टीम में मैंने कैप्टन यहाँ पे इमरुल कायस को रखा और वाइस कैप्टन मैंने अपनी टीम में रखा है सिकंदर अजा को। जो मैंने आपको फर्स्ट टीम दी उसी टीम के साथ मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग खेलूंगा, और जो मैंने आपको ये सेकंड टीम दी इसी टीम के साथ मैं ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ। तो अगर आप इन टीमों के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, वापस मैं कंफर्म कर दूँ ये आपके लिए मेज रिस्क रहने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस कर सकता है, तो आपके लिए कोई भी टीम सेफ टीम नहीं है। अगर आप पैसे लगाना चाहते हो तो आप कम पैसे इसमें इन्वेस्ट करना ताकि आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो और या आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं हो। बाकी कोई भी न्यूज आएगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से चेक कर लेना, मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स भी जरूर से चेक कर लेना। हम आगे बात करने वाले हाला प्ले की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए हाला प्ले की टीम बनाई और आपको हर वीडियो में हाला प्ले की टीम मिलती रहेगी। विकेट कीपर सेक्शन में मैंने यहाँ पे ब्रेंडन टेलर को लिया है। बैट्समैन सेक्शन में इमरुल कायस, मोहम्मद मिथुन, लिटन दास और जुआवो, इन चार बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया है। यहाँ पर मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में बॉलिंग सेक्शन में मसरफ़ मुर्तज़ा, रुबेल हुसैन और काय जारविस को लिए। ऑलराउंडर मैंने सीन विलियम्स, महेंद्र सिंह मीराज और सिकंदर रजा को मैंने अपनी टीम भी लिया। इस टीम में कैप्टन भी यहाँ पे सिकंदर रजा को रखा है। हालाप्ले का आपको यही फायदा मिलने वाला है कि हालाप्ले आप टॉस होने के बाद में भी टीम को एडिट कर सकते हो, जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। तो ये मेरी हालाप्ले की टीम रहने वाली है, इसी टीम के साथ मैं हालाप्ले में खेलने वाला हूं। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो एकदम फ्री में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।